डर। इसका खुद का तो कोई वजूद नहीं है, फिर भी यह बड़े बड़ों की लगा देता है। पर वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं ये गारंटी देता हूं कि आज से तुम डर से नहीं बल्कि डर तुमसे डरेगा। पर उससे पहले हमारी चंचल जनता से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन से पूरा डर नहीं निकल पाएगा। और अगर पूरा देखने के बाद भी वीडियो अच्छा नहीं लगा तो सीधा डिसलाइक मार के चैनल को छोड़ देना, पर अगर अच्छा लगा तो लाइक मार के सब्सक्राइब करके ही जाना। इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो आपको अच्छा ही लगने वाला है। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, पहले हम ये समझते हैं कि ये डर होता क्या है, और फिर मैं बताऊंगा कि इस डर को कैसे डराते हैं। हम सब ने हमारा एक कंफर्ट जोन बना लिया है। मान लो ये सर्कल आपका कंफर्ट जोन है। इस सर्कल के अंदर जो भी चीजें आती है, यानी कि आपके कंफर्ट जोन के अंदर जो भी चीजें आती है, वो करने से आपको कभी डर नहीं लगेगा। जैसे कि दोस्तों से बातें करना, कलीग्स के साथ बातें करना। पर अगर कोई आपको बोले कि स्टेज पे जाके दो शब्द बोलो, या फिर ऑफिस में सबके सामने प्रेजेंटेशन दे दो, तो फट के हाथ में आ जाती है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये सब आपके कंफर्ट जोन के बाहर है। स्टेज पे बात करने के लिए आप कंफर्टेबल नहीं हो। तो इस डर को हटाने के लिए क्या करना होगा? सीधी सी बात है, अपने कंफर्ट जोन को बड़ा करो, डर अपने आप निकल जाएगा। पर इस कंफर्ट जोन को बड़ा कैसे करें? अब ध्यान से सुनना जो भी मैं बोलने जा रहा हूं। कंफर्ट जोन को बड़ा करने का सिर्फ एक और एक ही रास्ता है, और वो है रिस्क लेना। आप में से कितने लोगों को स्विमिंग आती है? आई होप सबको आती होगी। तो अब जरा अपने पास में जाओ और सोचो कि स्विमिंग सीखने से पहले आपको पानी से डर लगता था कि नहीं। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसे पानी से डर नहीं लगा होगा। मुझे तो पर्सनली बहुत डर लगता था। पर जब हम एक्चुअल में पानी में उतरते हैं तो थोड़ी देर बाद ये डर 100% से सीधा 70-80% पे आ जाता है। और जैसे जैसे आप स्विमिंग सीखते जाते हो, ये डर पूरा निकल जाता है। यानी कि जैसे जैसे आप पानी में कंफर्टेबल फील करने लगते हो, आपका कंफर्ट जोन ऑटोमेटिक बड़ा होता जाता है, और इसके साथ डर भी भाग जाता है। दोस्तों, डर का काम ही है हमें डराना, और हमारा उसे डराना। इसीलिए रिस्क लो। जिस भी चीज से डर लगता है, जानबूझकर उस चीज को करो। शुरुआत में डर लगेगा, पर जैसे जैसे आप उसमें कंफर्टेबल हो जाओगे, आपका डर हमेशा के लिए निकल जाएगा। अब थोड़ा अलग एंगल से इस डर को देखते हैं। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। डर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। अब आप बोलोगे, भाई ये क्या बोल रहे हो, अभी तो डर को हटाने की बात कर रहे थे, पर अभी बोल रहे हो कि डर होता ही नहीं है। जी हां, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। डर एक इमेजिनेशन है, और ये इमेजिनेशन हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पर डिपेंड होता है, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। तभी कोई हॉरर मूवी देखने के बाद उस रात हमें डर लगता है, पर उसके जस्ट एक दिन पहले रात में हमें कोई डर नहीं लगता, क्योंकि उस टाइम पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा कुछ था ही नहीं जिससे कि हमें डर लगे। पर दूसरे दिन जब हमने वो मूवी देखी, तब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो भूत बैठ गया था, और उससे हमें डर लगने लगा। आप मेरी इस बात को अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ रिलेट कर सकते हो। और ऐसे ही होता है जब हम बड़े होते रहते हैं, तब हमारे पेरेंट्स, हमारे घर वाले हमें बहुत सारी चीजों से डराते हैं कि ये नहीं करना वरना वो हो जाएगा, या फिर वो नहीं करना वरना ये हो जाएगा। ये डर धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते जाता है, और इसी वजह से जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा डर भी बड़ा होता जाता है। क्योंकि उस टाइम पर इतनी अकल तो होती नहीं है कि घर वाले जो बोल रहे वो सही है या गलत एक बार चेक कर सके, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबको सच मान लेता है, और फिर जिंदगी भर हमें डराता रहता है। क्योंकि देखो ना यार, कोई एक साल का छोटा बच्चा है, और अगर आप उसके हाथ में कोई सांप भी दोगे तब भी वो उससे नहीं डरेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि सांप होता क्या है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि सांप खतरनाक है। इसलिए आपके सबकॉन्शियस माइंड से खेलना सीखो। जिस भी चीज से ये आपको डराता है, उसमें हिम्मत करो और रिस्क लो, और उस डर को जड़ से हटा दो। क्योंकि इसी डर ने कई काबिल लोगों को आम जिंदगी जीने पर मजबूर करके रखा है। आप उनमें से एक मत बनना। वीडियो अच्छा लगा तो ही लाइक करना, शेयर करना, और आपने आपके किस डर पर जीत हासिल की है कमेंट में जरूर बताना। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दिस इज विल पावर स्टार साइनिंग ऑफ फॉर द डे।